जो बच्चे को धीरे चलने लो उस गाड़ी को है ना। रिजन क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनीता बघेल। मैडम अभी एक मामला सामने आया कि बस स्टैंड पे महिला की डिलीवरी हुई है, क्या है मामला? मामला कुछ नहीं, पेशेंट यहाँ से गई और खुद ही मतलब यहाँ एडमिट थी, हमारे डिलीवरी कराने वाली सिस्टर खड़ी थी, वो उन्होंने कहा कि मुझे टॉयलेट आई और वो बाहर गई, बाहर निकल के बाहर से ऑटो पकड़ा और बाहर गई बाहर। मैडम यहाँ पे हॉस्पिटल में इतना सारा स्टाफ है, किसी ने रोका नहीं उनको? नहीं, तो वो खुद गई कि टॉयलेट आई तो टॉयलेट के लिए जाने दिया उसको, तो बाहर से निकल के अब किसी को क्या होता है, हर पेशेंट आते हर पेशेंट को रोकेंगे थोड़ी ना। मैडम ऑटो वाले बोल रहे बोले यहाँ से जो बोले उनका इलाज नहीं किया गया? नहीं इलाज नहीं, हर पेशेंट का इलाज होता है यहाँ पे, हर पेशेंट का कोई भी एच आई पेशेंट एच बी एस पॉजिटिव है, कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट आए, कोई भी इमरजेंसी आती हैंडल करते हैं, उसके बाद ही हम प्रॉपर चैनल के थ्रू ही रिफर करेंगे, रिफर करना होगा तो। अभी अभी कैसी कंडीशन दोनों की? पेशेंट बढ़िया। मामला अभी संज्ञान में आया है, ऐसा पता चला है कि पेशेंट को जो है कोई गुस्सा हुआ है। इस संबंध में मैंने अभी सिविल सर्जन और सी नेक्टर को भी पूछताछ किया है कि वास्तव में आपके यहाँ कोई बाहर से आ रही थी और उनको एम्बुलेंस और बाकी सहायता तो नहीं मिला। इस संबंध में मैंने सी नेक्टर सी सर्जन को भी निर्देशित किया है कि आपके यहाँ कब एडमिट हुआ था और कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, ऐसा भी सज्जन है कि हॉस्पिटल आई थी फिर चली गई। दो तीन प्रकार की बातें हो रही हैं तो हम पूरा इसकी डिटेल इंक्वायरी कराएंगे, उनकी जो प्रसूता है उनके परिजन है उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे और सिविल सर्जन और जो स्टाफ है उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे, जो भी इसमें दोषी होते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। मामला थोड़ा सा गंभीर है और निश्चित तौर पर इसके जो नियमानुसार कार्रवाई होगी बिल्कुल। सर प्रसव के दौरान जो भी पीड़ित में जो भी महिला आती है और वो प्रसव के लिए आती है तो क्या बिना बताए जा सकते हैं? ये जिम्मेदारी अस्पताल में प्रशासन की होती है, बिल्कुल उसको देखेंगे वहाँ पे कितने बजे वहाँ पे वो एंटर किया और क्योंकि रोगी कल्याण आरकेएस का पर्ची भी कटता है कब भर्ती हुई उसके बाद में कैसे वो चली गई उसको भी हम लोग देखेंगे, चूँकि जिम्मेदारी फिर हॉस्पिटल की हो जाती है अगर परमिशन के, चूँकि ये तो प्रसव वाला मामला है और पूरा दिक्कत वैसे तो छोड़ नहीं सकते हॉस्पिटल वाले, वहाँ से कोई डिलीवरी किया कहाँ की महिला बता रहे हैं अभी ग्रामीण बता रहे हैं, पूरा संज्ञान लेके पूरी जांच नहीं चल रही है।